अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ आलू अंडे की रेसिपी। इसके लिए हमें एक छोटे साइज की प्याज चॉप्ड, एक हरी मिर्च चॉप्ड, दो बड़े साइज के टमाटर जिनका छिलका उतार के इनको ग्रेट कर लिया, एक टेबलस्पून कुटा हुआ लहसुन अदरक, आप पेस्ट भी यूज कर सकती हैं। मेरे पास नमक है, नमक आप अकॉर्डिंग टू टेस्ट यूज करेंगे, क्योंकि काफी कमेंट्स आ रहे थे कि आप नमक काफी ज्यादा बताती हैं, तो मैं तो प्लेन रिफाइंड सॉल्ट यूज करती हूँ, तो मेरा जरा ज्यादा जाता है, आप अकॉर्डिंग टू टेस्ट लेंगी। यहाँ मेरे पास एक टेबलस्पून लाल मिर्च पाउडर है, क्वार्टर टी स्पून हल्दी पाउडर है, दो टेबलस्पून धनिया पाउडर है, और मेरे पास 1.5 किलो आलू है जिसको मैंने पील करके वॉश करके आधे आधे इंच के क्यूब्स में काट लिया। इसके अलावा हमें ऑयल चाहिए। यहाँ पे 1 कप ऑयल में मैंने प्याज को ट्रांसलूसेंट किया है, इसका कच्चापन खत्म किया है। अभी हम इसमें लहसुन अदरक डालेंगे कुटा हुआ, और उसका भी कच्चापन खत्म करने तक उसको पकाएंगे। जैसे ही इसका कच्चापन खत्म हो जाएगा तो फिर हम इसमें अपने टमाटर और हरी मिर्चें डालेंगे, साथ ही हम स्पाइसेस डाल के इसकी भुनाई करेंगे। यहाँ पे इसका कच्चापन खत्म हो गया, अभी हम इसमें टमाटर और हरी मिर्चें डाल देंगे, साथ ही हमारी स्पाइसेस भी चली जाएंगी। ये हमारा नमक है, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी, सूखा धनिया पाउडर। अभी हम इसकी भुनाई करेंगे उस वक्त तक जब तक के ये ऑयल ना छोड़ दे और टमाटर का कच्चापन ना खत्म हो जाए। ये देखें जी, हमारा टमाटर का कच्चापन खत्म हो गया, मसाला भुन गया, इसने ऑयल छोड़ दिया। अभी जो मैंने आपको आलू दिखाए थे उनका पानी मैंने ड्रेन कर लिया, जो 1.5 किलो आलू थे ये मैंने इसमें डाल दिए। अभी मैं इसकी भुनाई करूंगी उस वक्त तक जब तक के ये ऑयल ना छोड़ दे। ये देखें जी, आलूओं ने ऑयल छोड़ दिया, आलूओं की भुनाई हो चुकी है। अभी हम इसमें पानी डालेंगे और इसको थोड़ी देर हम कवर करके रख देंगे ताकि हमारे आलू गल जाएं। ये देखें जी, आलू गल गए हैं और इसमें हल्की हल्की सी ग्रेवी है। अभी हम अंडे बनाएंगे और हम इसको सर्व करेंगे। ये 6 अदद अंडे हैं मेरे पास, लेकिन इनको मैं 2-2 करके पकाऊंगी। मैंने क्या किया है कि मैंने फ्राइंग पैन में को ऑयल से ग्रीस कर लिया है और इसको मैं थोड़ा ज्यादा गर्म होने दे रही हूँ। ये देखें जी, ये कुक हो गया, इसके बाद हम बाकी के अंडे कुक करेंगे। ये देखें जी, अभी हमने इसकी सर्विंग करनी है। मैंने इनको सर्विंग बाउल में निकाल लिया। अभी जो हमारे पास कुक्ड अंडे थे वो हम इसके ऊपर डालेंगे। जनाब, ये इसकी सर्विंग है, इसको आप रोटी के साथ खाएं, और इंशाल्लाह ताला आपको ये रेसिपी पसंद आएगी, आप इसको ट्राई करें, इसी तरह बाकी के अंडे भी कुक कर लें। आलू अंडे हर वक्त घर में होते हैं, जब आपको कुछ ना समझ आए कि क्या पकाना है तो आप फटाफट ये पकाएं, और आलू तो छोटे बड़ों सबके फेवरेट होते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको रेसिपी पसंद आई होगी। काइंडली लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।